नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं हूं कविता कृष्णन और मैं हूं मंदार फंड से। मंदार, हमारे देश में सबसे बड़ी, अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस जो खर्च होता है किसी भी घर में, तो सबसे बड़ा खर्च होता है दवाइयों पर। जी बिल्कुल, हॉस्पिटल पर। खुदा ना करे अगर घर में किसी को कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है या कोई लंबे अक्यूट बीमारी किसी को हो जाती है, तो आप मान लीजिए कि घर का बजट जो है तहस नहस हो जाता है। और कविता, अगर देखा जाए तो अस्पताल में जाने के बाद किसी को पता नहीं है कि एक अस्पताल में कितने दाम पड़ते हैं और दूसरे अस्पताल में एक ही इलाज को या एक ही किस्म की बीमारी को किस प्रकार से पैसा लगाया जाता है। नहीं, और प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा पाते हैं कि इस बीमारी या इस सर्जरी के लिए इतना खर्च होगा, इससे ज्यादा का खर्च नहीं हो सकता है। बनिस्बत ये कि कई अस्पतालों में आजकल पैकेजेस है, लेकिन ये पैकेजेस होने के बावजूद भी ऐसे हो जाता है कि आपका जो बिल जो बाद में आता है, और ये कई लोग मजाक का बात बनाते हैं, जोक करते हैं कि सर्जरी के बाद का जो बिल आता है उसे देखकर लोगों को दिल का दौरा पड़ जाता है, लेकिन ये हकीकत है। हकीकत है, और सिर्फ महाराष्ट्र, कर्नाटका, ऐसे कई ऐसे राज्य है जहाँ से इस तरह की कई बातें सामने आई है। कई ऐसे अस्पताल है जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा एक तरह से लूट की है पेशेंट्स की, और इसी को लेकर दिल्ली में भी अब चर्चा शुरू हुई है। जी, लेकिन अब अच्छी बात ये है, जो लोग हैं, जो जनता है, उनके लिए खुशखबरी ये है कि दिल्ली सरकार ने अब निजी अस्पतालों में जो बिलिंग होता है उसे रेगुलेट करने के लिए, निजी अस्पतालों की एक तरीके से जो लूट बताया जाता है उसको रेगुलेट करने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए वो एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं, एक रिपोर्ट देखते हैं कि इस प्रस्ताव के खास फीचर्स क्या है। दिल्ली के अस्पतालों में हो रही लूट पर अब लगाम लग सकती है। दिल्ली सरकार के एक ताजा प्रपोजल के मुताबिक अस्पताल अब ओवर चार्जिंग नहीं कर पाएंगे। 376 दवाओं की राष्ट्रीय सूची से ही डॉक्टरों को दवा लिखनी होगी, जिनके दामों पर कैपिंग लगा हुआ होगा। लिस्ट के बाहर की दवाइयां और इम्प्लांट के दामों को कैप करने की भी सलाह दी गई है। दिल्ली के अंदर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सभी को हमने डायरेक्शन दे रहे हैं कि वो लोग दवाइयों पर, कंज्यूमेबल्स पर जो भी प्रॉफिट है उसको पैक कर रहे हैं हम लोग, उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं। 30 दिन पब्लिक डोमेन में रखने के बाद, पब्लिक ओपिनियन के बाद, पब्लिक से कंसल्टेशन के बाद इसको लागू किया जाएगा परमानेंटली। यही नहीं, अस्पताल में भर्ती मरीज यह तय करेंगे कि डॉक्टर का कंसल्टेशन जरूरी है या नहीं। ट्रीटमेंट पैकेज को भी रेगुलेट करने की बात कही गई है। अस्पताल को ये साफ करना होगा कि पैकेज में कॉम्प्लिकेशन कवर्ड है या नहीं। एक सर्जरी के बाद दूसरे की जरूरत पड़े तो अस्पताल इसके लिए सिर्फ आधी कीमत ही मरीज से वसूल सकता है। One of the major, points here is that the medicines that are listed under the essential medicines list should be only charged on MRP and the hospital cannot put their own markup on it. Secondly, if the hospital wants to sell any of the medicines that are not part of the essential medicines list, they cannot charge a markup of more than 50% on it. Also, looking at high-risk packages that private hospitals offer for surgeries, in case a patient goes through dialysis and goes through a surgery that costs about 1.2 lakhs for instance, and the doctor thinks that the patient requires another surgery for further dialysis and treatment there, the patient will still end up paying 50% lesser, which is the first initial cost of 1,20,000 or 1,50,000 only. निजी अस्पताल सरकार के इस प्रपोजल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपको ये साहब बताएंगे कि हॉस्पिटल के बिल को रेगुलेट करना क्यों जरूरी है। उन्होंने 3 दिन हमारी बेटियों को वहाँ पर रखा और उन 3 दिन के अंदर लगभग 5 से 5.5 लाख का उन्होंने बिल हमारे सामने रख दिया, लेकिन एट द लास्ट वो बेटियों को नहीं बचा पाए। 3 से 4 दिन जो रही उसमें नहीं बचा पाए, तो मैं करीब 3 से 3.5 लाख रुपये जमा करा चुका था ऑलरेडी। 1.5 से 2 लाख रुपये करीब मेरा आउटस्टैंडिंग था हॉस्पिटल की तरफ, तो मैंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब आपने मुझे 1 लाख के हिसाब से बताया था, मैंने 3 लाख रुपये जमा करा दिए 3.5 लाख रुपये हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो तो आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, अगर आप नहीं करेंगे तो हम रिलीज नहीं करेंगे। तो फिर मैंने अपने दोस्तों से पैसा लिया और वहां पर पेमेंट करी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेरा नाम।
जी, और इस बहुत ही अहम मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे नेशन नाउ पर, और चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे मालिनी आइसोला जो कि ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क की प्रवक्ता है। मालिनी बात करेगी मरीजों के तरफ से, और डॉक्टर के अग्रवाल जुड़ रहे जो कि आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। डॉक्टर डीएस राणा भी हमारे साथ मौजूद है, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के वो चेयरमैन हैं, और डॉक्टर निमी रस्तोगी भी है हमारे साथ जो कि आप की प्रवक्ता है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। लेकिन मंदार, सबसे पहले हम शुरू करेंगे, हमारे एक बहुत ख़ास गेस्ट है जो जुड़ रहे इस वक्त फ़ोन पर हमारे साथ, हमारे साथ जैन सिंह मौजूद है। जी। जैन जी, ये बताइए, जो दिल्ली सरकार जो प्रस्ताव लेकर आई है अस्पतालों के लूट पर लगाम लगाने के लिए, ये कितना ज़रूरी है? आप अपने जो अपनी जो निजी एक्सपीरियंस है उसको लेकर इसका जवाब दीजिए। अभी तक मतलब सरकारें अभी तक इसको इस इशू को कोई भी सरकार इसको सीरियसली नहीं ले रही थी, तो जो भी दिल्ली सरकार ने इनिशिएटिव लिया है तो आई थिंक मतलब अच्छा इनिशिएटिव है। एक कम से कम जिस तरीके से हॉस्पिटल्स को टारगेट दिए जाते हैं, डॉक्टर्स को टारगेट दिए जाते हैं पेशेंट से पैसा वसूलने के लिए, अगर इस तरह की अगर कैपिंग रहेगी तो अनवॉरंटेड ट्रीटमेंट वगैरह डॉक्टर्स नहीं करेंगे जी, और एक तरीके से कंट्रोल होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस तरह के कदम जो है सरकार अपने आप को अपने दायित्व से बचने के लिए ज्यादा कर रही है rather than की वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर हम इसकी बातें करते हैं तो सरकार कभी ये इनिशिएटिव क्यों लेती कि हम इतने सरकारी अस्पताल खोलेंगे या हम ये फैसिलिटी सरकारी अस्पतालों में मुहैया कराएंगे? जैन जी, आपको टोकने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपके साथ क्या गुजरी थी। अस्पतालों के लूट का जो सबसे घिनौना जो एक्सपीरियंस है वो आप ही के साथ हुआ था, आप हमें बताएं कि आपके साथ आप पर क्या गुजरी थी। देखिए, अस्पताल तो इससे ज्यादा मतलब पैसा लूटने के लिए तैयार बैठे रहते हैं कि इवन एक तरफ डॉक्टर ने मेरे को बोला कि लेट द बेबी रेस्ट इन पीस, उसके बाद भी डॉक्टर मेरी वाइफ से अकेले में बात करते हैं कि हम फुल बॉडी प्लाज्मा ट्रांसप्लांट करते हैं, इसमें 15-20 लाख का खर्चा आएगा और हम ऐसा करते हैं, तो मतलब उनको लूटने का उनको बस ये देखना होता है कि सामने वाला पैसा देने में कितना सामर्थ्य है, उसका उस हिसाब से वो अपनी लूट जारी रखते हैं। जी, यहाँ पर दर्शकों को बता दें मंदार, जयंत सिंह जो है आद्या के पिताजी है, आद्या जो है 7 साल की बच्ची थी, इनको डेंगू हो गया था और डेंगू के इलाज के लिए जयंत अपनी बेटी को फोर्टिस गुरुग्राम अस्पताल लेकर गए थे, जहाँ पर ऐसा इलाज करवाया गया कि इनसे 16 लाख रुपए वसूले गए, 16 लाख का बिल इन्हें चुकाना पड़ा महज डेंगू के ट्रीटमेंट के लिए। और जाहिर सी बात है इस पूरे मुद्दे को लेकर जैन जी और एक सवाल करना चाहेंगे आपको कि क्या अब जिस प्रकार से एक प्रावधान लेकर आई है दिल्ली सरकार, आपको लगता है कि इसमें बदलाव आएंगे? आपको लगता है कोई उम्मीद है कि जो जिस सिचुएशन से आप गुजरे हो उससे और आने वाले दिनों में कुछ लोगों को गुजरना ना पड़े? एक कैंपेन चलाया है, उसे इसीलिए चलाया कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, तो दिल्ली सरकार ने कम से कम नियत तो दिखाई है। अभी भी उनका बिल अभी ठीक से फॉर्मलाइज नहीं हुआ है, अभी उन्होंने पब्लिक ओपिनियन मांगे हैं, तो ये अगर इनिशिएटिव सरकार लेती है तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे कि कम से कम हेल्थ केयर अफोर्डेबल तो हो जाएगा, हर कोई जो है अपने बच्चों का अपने परिवारजनों का इलाज तो करवा सकेगा। तो इस तरह के कदम को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि अगर इसको सही नियत से और सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो जरूरी कुछ चेंज आएगा। जी जी, और आखिरी सवाल आपसे जैन जी, क्या आपने ये प्रस्ताव देखा है, आपके हिसाब से इसमें और कुछ जुड़ना चाहिए? हाँ, मतलब मैंने भी देखा है, लेकिन मैंने उसके बारे में ज्यादा अभी सोचा नहीं है। मैं मालिनी के साथ भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ हूँ, तो उनके साथ भी मेरी कुछ बातें हुई थी, तो मालिनी आपको डिटेल में बताएंगी कि हमारा ओपिनियन क्या है इस बारे में। जी जी, बिल्कुल। जैन जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और सीधे चलते हैं अब हमारे पैनलिस्ट के पास, शुरुआत करते हैं। मालिनी जी, आपका ही यहाँ पे जिक्र हुआ था, जैन जी ने बताया था कि आपको अगर इस पूरे मुद्दे को लेकर अगर चर्चा में कौन सा ऐसा मुद्दा अहम लगता है कि आने वाले दिनों में क्या होना चाहिए, किस तरह से ये जो ड्राफ्ट बिल बनेगा जिसमें और ऐसी कौन सी चीज़ें फिर से एक बार शामिल होनी चाहिए, ऐसे आपको लगता है, एक एक आपका पहला रिएक्शन क्या है इस पूरे बिल के बारे में? तो जैसे जयंत ने आपको बताया, हम भी जयंत की सारी साथ ही एक कैंपेन चला रहे हैं जिसको हमने सैटरडे को लॉन्च किया था, कैंपेन फॉर डिग्निफाइड एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर। इस कैंपेन का ये ऑब्जेक्टिव है कि कॉम्प्रहेंसिव रिफॉर्म और रेगुलेशन लाए प्राइवेट हेल्थ केयर के ऊपर। तो हमारा पहला जो रिएक्शन था कि वी आर ब्रॉडली वेरी पॉजिटिव अबाउट दीज प्रपोजल्स ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। इनके थ्रू ये हमें लग रहा है कि ये दिस इज़ ब्रिंगिंग अ रेडिकल चेंज इन द थिंकिंग ऑफ गवर्नमेंट्स। सो वी आर वेलकमिंग दिस एज अ पॉजिटिव स्टेप दैट विल पॉसिबली पोटेंशियली ब्रिंग अबाउट अ लॉट ऑफ यू नो बेनिफिट टू पर्टिकुलरली पुअर पेशेंट्स। हमारा बस ये कंसर्न रहता है कि इसका लीगल बेसिस बिल्कुल साउंड होना चाहिए। तो हमें लगता है कि जिस एक्ट के थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट ये इम्प्लीमेंट करना चाहती है, विच इज़ द दिल्ली नर्सिंग होम्स रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1953, वो थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो चुका है और इसके थ्रू या तो बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट्स लाने की ज़रूरत होगी या बिल्कुल एक नया एक्ट करने की ज़रूरत होगी। तो इसी के ऊपर हमें थोड़े से कंसर्न्स रहते हैं कि ये इसका लीगल बेसिस साउंड होना चाहिए ताकि ये इंटरवेंशंस जो इनके ये गुड इंटेंशंस के जो भी प्रपोजल्स दिल्ली गवर्नमेंट के हैं उनको लीगली कोर्ट्स में या लिटिगेशन में वो स्टक नहीं होने चाहिए। जी, डॉक्टर अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं, आईएमए के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर अग्रवाल, ये बताइए कि सबसे पहले हॉस्पिटल्स को रेगुलेट करने के लिए, हॉस्पिटल में जो चार्जेस है उसे रेगुलेट करने के लिए जो दिल्ली सरकार का ये जो प्रपोजल है उस पर आपकी क्या राय है? आई थिंक द प्रपोजल, जो बेसिक प्रपोजल है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आप सेल्फ रेगुलेट करो चाहे दिल्ली सरकार करे, कि पेशेंट को अगर आप ट्रीट करते हो तो उसको उसके बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। जो बेसिक कंप्लेन आती है कि आपने एस्टिमेट 1 लाख का दिया तो 3 लाख का बिल कैसे बन गया, तो जो दिल्ली सरकार ने जो एक कमेटी बनाई थी, इसका जो बेसिक उद्देश्य था वो था ट्रांसपेरेंसी, ताकि पेशेंट्स को हर चीज़ के बारे में मालूम हो। आप प्रॉफिट ज़्यादा चार्ज कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसकी ट्रांसपेरेंसी, कि 1 रुपये की चीज़ खरीद रहे हो तो आप 20 रुपये की बेच रहे हो तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसके साथ में। सो इस जो भी दिल्ली सरकार ने ड्राफ्ट बनाया है इसको पब्लिक डोमेन पे है, लोग अपनी सजेशन दिल्ली सरकार को भेज सकते हैं। आई ओनली से इज़ दिस ड्राफ्ट इज़ बेसिकली टू बिल्ड ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम। जी, इसमें एक प्रपोजल है, ये इस ड्राफ्ट में एक प्रावधान है जहाँ पर सरकार कह रही है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा मेडिकल ट्रीटमेंट में, अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो डॉक्टर के कंसल्टेशन चार्जेस में चले जाते हैं, क्योंकि जितने भी बार डॉक्टर राउंड पर आते हैं उसके लिए अलग एक चार्ज आपके बिल में जुड़ जाता है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में है वो तय करेगा कि डॉक्टर की कंसल्टेशन इस वक्त ज़रूरी है या नहीं है, इस पर आपके क्या राय है डॉक्टर अग्रवाल? मैं ऐसा कोई चीज़ डिस्कशन में नहीं आया, ये तो ऑलरेडी मेडिकल काउंसिल का एक रूल है कि अननेसेसरी कंसल्टेशन शुड बी अवॉइडेड। इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये हमारे एथिक्स रेगुलेशन में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के आता है कि आप कोई भी कंसल्टेशन करते हैं देयर हैज़ टू बी जस्टिफिकेशन। सो आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर में रिविजिट करना है, जो कानून ऑलरेडी है वो ऑलरेडी है, अननेसेसरी कंसल्टेशन शुड बी अवॉइडेड। नहीं, वेल डॉक्टर अग्रवाल, ये एडवाइजरी में लिखा तो गया है, अब चलेंगे सीधे डॉक्टर डीएस राणा के पास। डॉक्टर राणा, आपने मेरे हिसाब से जो सारे प्रावधान है वो तो आप पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन इसमें कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग
प्रावधान है, एक तो ये कि मान लीजिए एडमिट होने के 6 घंटे के अंदर कोई पेशेंट जो है वो गुजर जाता है, तो उसके जो फैमिली है उन्हें सिर्फ बिल का 50% ही चुकाना पड़ेगा, इस पर आपकी क्या राय है? I think this requires debate and this should be rethought, you know. Sometimes it is not a question of 50%, we may not charge anything, and some people can afford the 100% charges also. So I don't think that the rule of 50% is justified. But maybe a particular patient came to casualty, cannot afford anything, probably you have to waive off or do the total treatment free. I do think that this requires rethinking. तो डॉक्टर राणा, आपका कहना यह है कि बेसिकली जिन लोगों को जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे इतना चार्ज लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये दिक्कत है, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनसे जी उनके लिए 100% भी वेव ऑफ हो सकता है, इवन बाय टू 50% मैम बी एट अवर हॉस्पिटल वेव ऑफ इवन 100% एक्चुअली इफ द सिचुएशन डिमांड्स दैट यू नो व्हाट इफ समबडी बिकॉज अदरवाइज व्हाट विल हैपन दी You know, the negative side of this rule will be that many small hospitals, they will not like to treat any serious patient and they will all like to refer them to either bigger government hospital or bigger private hospital. The result will be that those hospitals will be overcrowded and then patient and the care will suffer, you know. So I think there should be some justification for this. So ye aapka dar jo aap keh rahe ho, somebody cannot pay then. जी 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 डॉक्टर राणा, जैसे आप कह रहे हैं हमें तो कोई डर नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ कि वैसे हाँ बोलिए हाँ मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसा जब पेशेंट कोई सीरियस आता है उस टाइम केयर किसी भी चाहे उसकी कोई इमरजेंसी सर्जरी हो सकती है, कोई इमरजेंसी लाइक किसी को पेसमेकर लग सकता है, कुछ भी ऐसी हो सकती है, उसके बाद डॉक्टर्स या हॉस्पिटल ये तो इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि डेथ नहीं हो सकती है, उसके बावजूद भी डेथ हो सकती है, पर उस पीरियड में हर एक चीज़ कॉस्ट करेगी, वो कॉस्ट यदि किसी कोई पे कर सकता है शुड पे, समबडी जो पुअर कैन नॉट पे इवन शुड नॉट इवन गिवन एंड बट नथिंग कैन इट्स ई कैन नॉट मेड लाइक दिस दैट समबडी डाइज इन 6 hours एंड ही शुड पे ओनली 50% और समबडी आई डोंट नो दिस आई हैव नॉट रेड दैट टोटल एडवाइजरी रिगार्डिंग दिस पर ऐसा जनरली आई डोंट थिंक आपका कहना है कि हॉस्पिटल अपनी डिस्क्रिशन इस्तेमाल करे, यहाँ पर हॉस्पिटल फैसला ले कि जो पेशेंट है मरीज है वो दे सकता है कि नहीं दे सकता है उस तरह का बिल, और शायद इसी पर जो है सरकार शायद इसी पर सरकार भी रोक लगाना चाह रही थी यहाँ पर। डॉक्टर रस्तोगी, क्या ये हम सही कंक्लूजन ले रहे हैं यहाँ पर कि ये जो हॉस्पिटल जो डिस्क्रिशनरी चार्जेस लगाता है उसी पर आप रोक लगाना चाह रहे थे, जो जिसे लूट जो लोग कहते हैं उसी पर रोक लगाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है? चार्जेस तो फिक्स्ड होते हैं कविता, आई थिंक वी आर जजिंग दिस ड्राफ्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट विद अ वेरी शॉर्ट स्कैनर, सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, एवरीबडी शुड गो थ्रू इट, ऑल द प्रैक्टिशनर्स, हॉस्पिटल्स, हेल्थ गिवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक मालिनी फॉर टेकिंग इट पॉजिटिवली, बिकॉज यू नो इट इज एम्ड एट सेटिंग सर्टन मैल प्रैक्टिसेस, नेग्लिजेंस इशूज एंड लॉट ऑफ कंप्लेन्स दैट वी रिसीव, वी वॉन्ट टू सेट देम राइट। एंड फॉर जयंत, आई वुड वॉन्ट टू से कि नहीं, सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट नहीं रही है, हमें पता है कि हमें अपनी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ को स्ट्रेंथन करना है, और ये बिल या ये एडवाइजरी किसी भी तरह का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, दोज थिंग्स विल कैरी ऑन इट्स ओन, बट ये बिल, ये एक एडवाइजरी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के लाया गया है, जिसमें दवाइयों का, जेनरिक दवाइयों के इस्तेमाल को इनकरेज करने की बात हो रही है, पैकेजेस की ट्रांसपेरेंसी के, जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पता ही नहीं चलता 2 लाख का पैकेज है और 5 लाख का बिल कैसे आ गया, क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, वी वांट टू रिकॉर्ड दैट काउंसलिंग सेशन जो हो रहा है ताकि एम्बिग्यूटी ना रहे, ये जो एडहॉक प्रैक्टिसेस होती हैं, ये जो इरेगुलर प्रैक्टिसेस होती हैं, सबने अपने रूल बनाए हुए हैं, किसी का पैकेज कैसा है, किसी का इन्वेस्टिगेशन चार्जेस 70 रुपये का है, किसी का 700 रुपये का है, सो वी वॉन्ट टू डू अवे विद ऑल द इरेग्युलरिटीज एंड ब्रिंग सर्टन रूल ऑफ द लॉ, सर्टन रेगुलेशंस विच आर टू बी अवॉइडेड बाय ऑल। So that's what we are doing. जी. There is no contention here. We are not against corporate hospitals or private hospitals.
it's good for one and all. Even a single doctor clinic comes under purview that he has to display his fee, that he is charging this fee, and he cannot randomly increase those charges. He agar mareez ameer aaya hai to aap usse 1200 rupees le lo, aur agar gareeb hai to aap 300 rupees le lo. Ji, ji, ji. So doctor, there has doctor to be Nimi, some doctor, standardization. Ji, ji. Aapne aapne jo kaha hai, ye to tay ho gaya hai jis tarah se aapne draft abhi yahan tak laya hai. लेकिन जो डॉक्टर राणा कह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनसे लेने का जो डिस्क्रिशन हॉस्पिटल्स को चाहिए, क्या क्या आपको वो उनका एक हक नहीं लगता है? क्या क्या हॉस्पिटल्स अपनी जो सेवाएं देते हैं या जो फैसिलिटीज देते हैं? जी नो, एज अ पॉलिसी मेकर आई थिंक दिस विल बी अ फ्लॉड क्लॉज. There has to be unanimity on that. Already हम EWS लोगों के लिए जो provision रखते हैं वो तो रहेंगे ही. अगर कोई economically weaker section से है, BPL से है, तो उनके लिए एक अलग ही system है जो कि दिल्ली में बहुत अच्छी तरह से follow हो रहा है. और जब वो transition हुआ था तब भी hospitals ने बहुत hue and cry raise किया था, but अब slowly and gradually system को accept लोग कर रहे हैं और masses को भी पता चल रहा है. लेकिन ये ad hocism कि अगर कोई मरीज गरीब है उसके आप 50% 100% वेव ऑफ कर दीजिए, या कोई मरीज अगर अमीर है तो आप उसे पूरा बिल ले लीजिए, ये मेरे ख्याल से इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा. बिकॉज हाउ आर वी गोइंग टू प्रूव? एंड दिस इज स्टिल अंडर पब्लिक डोमेन. वी आर हैप्पी टू रिसीव योर इनपुट्स एंड एवरीबडी इज सजेशंस ऑन दैट हाउ शुड वी गो अबाउट इट, बिकॉज देर इज अ डिग्निटी अटैच टू लाइफ. वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन साइंसिस हियर. सब चीज़ें सोचे अनुसार नहीं चलती हैं. अगर कोई मरीज आता है और वो 6 घंटे में डॉक्टर के अथक प्रयास के बाद खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है जिसमें हमारा यह सजेशन है कि आप अपने कंज्यूमेबल्स और अपनी मेडिसिन का खर्चा ले लीजिए, बाकी जो है ऑन कंपैशनेट ग्राउंड, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, उसको वेव ऑफ कर दीजिए. जी डॉक्टर रस्तोगी, नहीं डॉक्टर रस्तोगी, आप भी जी यहाँ पर एक चीज हम दोनों बताना चाहेंगे. हम डिबेट के पहले बात ही कर रहे थे कि बहुत बड़ा कदम जो है दिल्ली सरकार ने उठाया है, और उसके लिए हम आपकी एक्चुअली आपकी दाद देना चाहते हैं. लेकिन मैं इस वक्त मालिनी से एक सवाल पूछना चाहूँगी. मालिनी, प्रावधान जो है बहुत ही, जैसे निमी बता रही थी, सबको ही बता रहा था कि प्रावधान बहुत, इंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह हो पाएगा? कौन इसे मॉनिटर करेगा? कौन ये मॉनिटर करेगा कि जो गरीब मरीज को जिस तरह से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है? कि ड्रग्स और जो इंजेक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं हॉस्पिटल में उसमें मरीज का ओवरचार्जिंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो बिल्स आती है हॉस्पिटल से वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान उसे समझ नहीं पाता. आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. इसमें दो बातें हैं. फर्स्ट इज द जी मालिनी, इज दैट द प्रपोजल्स आर वेरी progressive in nature, so these are very positive proposals, but there are certain things that need to be put in place. First would be a legal backing for this, so that is something that I've already raised before. There needs to be a solid legal ground and a statutory mandate for these measures. And second is, if you do get to the stage of implementation, then certain systems would be have to be put in place. For example, अगर वो कह रहे हैं कि for a consumable or for a non-scheduled medicine, which is not in the NLEM, you can only take a maximum markup of 50% over the price of procurement, there needs to be systems in place whereby the government can actually understand what is the procurement price of these hospitals, how will they be able to discover this price. Similarly, there's a very long list of provisions for which systems would have to be put in place, and potentially, you know, a different body that would need to be monitoring how this is being implemented. But primarily, we would like to understand how legally this would be implementable, because we would like to see this regulator ki zarurat padegi hospitals ke liye implemented. Baat baat wahi aati hai. Dr. Agarwal, aapko puchna chahenge. Ek second, agar Dr. Agarwal ki raaye hum lena chahenge ki agar is tarah ki agar regulation aati hai, regulating authority aati hai, to us authority ka bartav और उसके बारे में क्या जो हॉस्पिटल्स है, निजी हॉस्पिटल्स है, उनका उनका उनको किसी प्रकार का वहाँ पे आपत्ति हो सकती है? क्या क्या माहौल हो सकता है उससे? सी बेसिकली सरकार ने एक एडवाइजरी इशू करी है, 30 दिन का टाइम दिया है, लोग अपने ऑब्जेक्शंस दे सकते हैं, सरकार इस पर डिसाइड करेगी.
सरकार चाहे तो ये 9 मेंबर्स कमेटी को दोबारा से रिव्यू के लिए भेज सकती है। जहाँ तक सवाल है रेगुलेशन का, सरकार के अंदर में रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी हॉस्पिटल सरकार करती है और सरकार का अपना एक ग्रीवियंस हैल है, किसी की कंप्लेन आएगी तो सरकार उसको इवेल्युएट करेगी। देर इज ऑलवेज ए मैकेनिज्म, रेगुलेटरी मैकेनिज्म वो सरकार का होता है, जैसे ही डॉक्टरों का रेगुलेशन काउंसिल करती है वैसे ही सर जो दिल्ली हेल्थ एक्ट जो आ रहा है डॉक्टर अग्रवाल साफ है कि वो रेगुलेशंस जो भी है जो ऑलरेडी रेगुलेशंस बने हुए हैं, आप मेडिकल काउंसिल की बात कर लीजिए या ग्रीवियंस सेल की बात कर लीजिए, वो तो काम कर नहीं रही है। नहीं तो जैन सिंह को अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए 16 लाख रुपए नहीं देने पड़ते। सीधी बात है कि आपका जो रेगुलेटरी बॉडी है वो काम नहीं कर रहा। एक सेकंड, लेटेस्ट से दो अलग अलग इश्यूज हैं। सबसे पहले रेगुलेशन लाया जाए कि नहीं लाया जाए, फिर रेगुलेशन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, फिर रेगुलेटर अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो तो बात की बात है। कम से कम रेगुलेशन सरकार पॉलिसी तो बनाए, सबसे पहले पॉलिसी बने, पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन हो, पहला स्टेज पे तो आने दीजिए ना। अभी तो एडवाइजरी आई है, लेट पीपल रिएक्ट टू इट, लेट इट बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, लेट इट बिकम ए लॉ। जी जी डॉक्टर अग्रवाल मान लेते हैं और ये रिएक्शन ही है, पीपल का रिएक्शन ही है यहाँ पर कि सिर्फ कानून नहीं लाया जाए साथ ही साथ एक तरीके का रेगुलेशन भी यहाँ पर होना चाहिए। डॉक्टर राणा, क्या आप मानते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर को अब एक रेगुलेटर की जरूरत पड़ गई है? रेगुलेटरी आई डोंट थिंक, रेगुलेटर ऑलरेडी रेगुलेशन से कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि बिल्कुल एथिकल हेल्थ केयर मिल सकती है। एथिकल हेल्थ केयर जो है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल, जो लोग डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो हॉस्पिटल चला रहे हैं तो उनको रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। वो ठीक है जो अभी एडवाइजरी में लिखा है कि रेगुलेटरी करेंगे, वो डॉक्टर के अग्रवाल ने भी जाहिर मैकेनिज्म होते हैं and those mechanisms have got their own flaws and difficulties, so I don't know, those mechanisms are not working, wo kaam nahi kar rahi hai Dr. Rana, that problem ye hai, samasya is waqt ye hai, there are so many charcha isi liye kar rahe hain kyunki ek mareez ko, ek pita ko apne beti ke liye dengue ke treatment ke liye 16 lakh rupaye chukane pade sirf isliye kyunki wo ek corporate hospital mein apne bachchi ko lekar gaya tha, जिसका मतलब ये है कि जितने भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं से काम चलता। जी 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 बोलिए 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 बोलिए। सीधी बात तो है जो डॉक्टर के अग्रवाल ने कहा था कि नीड फॉर दिस डॉक्यूमेंट राइट। तो डॉक्टर रस्तोगी आप भी मानते हैं कि यहाँ रेगुलेटर की जरूरत पड़ेगी? जी जी, एक 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 सेकंड के लिए हम डेफिनेटली, और ये डॉक्यूमेंट सिर्फ शुरुआत है, इट्स जस्ट द बिगनिंग, इट्स द बेबी स्टेप टुवर्ड्स अ लॉन्ग जर्नी, बिल्कुल ये टुवर्ड्स अ लॉन्ग जर्नी व्हिच विल गो थ्रू मेनी रेगुलेशंस अमेंडमेंट्स टू द लॉ मेकर्स देन टू द लेजिस्लेचर एंड देन टू द एलजी एंड देन इट विल बिकम अ रियलिटी एंड वंस इट बिकम्स अ रियलिटी वी विल स्टार्ट गेटिंग फॉलिंग इनटू द प्लेस सो बट इट्स अ जर्नी वेल बिगन। जी बिल्कुल डॉक्टर माले निमी, आपने जैसे कहा कि एक जर्नी है, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं वैभव अग्रवाल भाजपा के प्रवक्ता। वैभव जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से रेगुलेशन आते दिख रहा है, खास करके दिल्ली सरकार ने ये पहल की है, आपको लगता है कि इससे काफ़ी सहूलियत होगी, खास करके मरीजों को, मरीजों के परिवार वालों को, और जो जिस तरह से 50% से ज़्यादा तक मुनाफा कमाने की बात आती है अस्पताल की, तो उसके ऊपर एक रोक आएगी, ऐसे आपको लगता है? मंदा जी, बहुत दिनों बाद नमस्कार। नमस्कार, देखिए ये अभी रेगुलेशन दिल्ली सरकार ने बनाया है, इस रेगुलेशन का ड्राफ्ट आया है अभी, तो रेगुलेशन जब पास होगा, लेकिन हाँ, हेल्थ सेक्टर में रेगुलेटर की मेरे ख्याल से आवश्यकता, अच्छी बात है, अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन यदि एक एक पहल करके हम एक ऐसा ड्राफ्ट बना दें जिसमें वाहवाही तो बटोर लें और उसके अंदर कोई जूस नहीं रहे और उससे कोई मतलब ना निकले, तो इसलिए मैं अभी टिप्पणी करने से अपने आप को रोकूंगा। नहीं वैभव जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि हमने देखा है कि अलग अलग राज्यों ने अपने तरफ से ये पहल की है, यानी हर कोई मानता है कि कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सेक्टर में रेगुलेशन की जरूरत है, हॉस्पिटल के लूट पर लगाम लगना जरूरी हो गया है अब, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि केंद्र सरकार ऐसी पहल करे और एक नेशनल रेगुलेटर लेकर आए हेल्थ केयर सेक्टर के लिए?
देखिए आपका जो इंडिकेशन है वो एक पर्टिकुलर दिशा में है, और उस दिशा को ही मैं आगे बढ़ाते हुए, आपके विचारों को ही आगे बढ़ाते हुए, मैं आपके समक्ष एक रखूंगा कि जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से, हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम रेगुलेटर एज सच एक फॉर्मल तौर पे एक रेगुलेटर लेके नहीं आए हैं, लेकिन आप देखें जो दवाइयां पहले 1000 रुपए की मिलती थी वो अब 300 की मिलती है, जो हार्ट स्टंट जो पहले 5 लाख का होता था वो अब 50,000 में मिलता है। तो ये देखिए केंद्र सरकार ऑलरेडी इस दिशा में कदम उठा चुकी है, माननीय हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो ऑलरेडी इस पे स्टडीज कर चुके हैं, और एक एक प्रपोजल जो है कि किस एक रेगुलेटर की शेप में ना होते हुए एक एक दूसरे शेप में है या नहीं है वो मंत्रालय का हिस्सा है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। जी वैभव जी, एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है, एक सजेशन है की बात कर रहे हैं, नहीं एक सजेशन है आपके लिए, हो सके तो देख लीजिएगा, आपके सरकार का एक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, करेक्ट, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन एक NPPA है जो कि फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग को रेगुलेट करता है, तो इसी के तहत आप इसी का स्कोप बढ़ा दीजिए, हॉस्पिटल प्राइसिंग भी रेगुलेट कर लीजिए, जिस तरह रियल एस्टेट में आप लेकर आए रेगुलेटर, उसी तरह हॉस्पिटल्स के लिए आप रेगुलेटर क्यों नहीं ला सकते, और कितना वक्त लगेगा इसमें, आप देख रहे हैं किस तरह लूट मची हुई है, आपके पास डेंगू के ट्रीटमेंट के लिए 16 लाख रुपए NPPA के पास पड़े हैं, यहाँ पर लोगों को प्रपोजल किया दिया हुआ है, करेक्ट, लेकिन also और उसी NPPA ने ही अनर्थ किया है कि 70-100% प्रॉफिट मार्जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ले रहे हैं, सो और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन से हमारा स्वागत किया है कि आप चाहें तो ड्रग के प्राइसेस को कंट्रोल कीजिए, बिकॉज बहुत ज्यादा बीच में मिडलमैन प्रैक्टिस होती है, साथ साथ ऑल इंडिया डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशंस हैव ऑलरेडी वेलकम्ड आवर स्टेप इन नवंबर 2017, सो इट्स अ सॉलिड डॉक्यूमेंट, ये किसी की वाहवाही लूटने के लिए नहीं बनाया गया है, इट्स अ विजन डॉक्यूमेंट, इट्स नॉट जी देखिए जी वैभव जी, आपके पास सोल्यूशन भी तैयार पड़ा है, यहाँ पर NPPA को का ही फोकस आप स्कोप बढ़ा दे तो हॉस्पिटल्स भी रेगुलेट हो जाए, मरीजों को कुछ और राहत मिल जाए। मैं हमेशा इसीलिए मेरे नाव की तारीफ करता हूँ कि वो टॉपिक्स ऐसे उठाते हैं जो जनता की पहल से जुड़े हुए होते हैं, और मैं आज फिर ये आपको प्रेज करूंगा कि आपका एडिटोरियल हमेशा एक मैच्योर्ड लेवल पे एडिटोरियल डील करता है और ऐसे टॉपिक्स पे डील करता है जो जनता की बात करते हैं, राजनीति की बात नहीं करते। तो मैंने जैसा मेरी टिप्पणी में बोला, मैं किसी के विजन डॉक्यूमेंट की तारीफ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं इस चीज को सिरे से खारिज भी नहीं कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा है, लेकिन इसमें जो बड़ी बात है वो ये देखने की है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है और केंद्र सरकार उतना ही हस्तक्षेप करेगी जितना केंद्र सरकार कर सकती है। जी वैभव अग्रवाल, वैभव अग्रवाल, उम्मीद करेंगे, ये नहीं है कि उम्मीद करेंगे जी जी जी, हमारे पास वक्त बहुत कम बचा हुआ है, नहीं वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम वैभव अग्रवाल, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि एक तो मंदार उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार की ये जो पहल है वो आगे बढ़े, दिल्ली सरकार हॉस्पिटल की लूट पर एक तरीके से जो हॉस्पिटल की मनमानी है उस पर काबू पाने में कामयाब हो जाए, और दूसरे तरफ उम्मीद ये भी है कि जिस तरह रियल एस्टेट जो कि स्टेट सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, उसके लिए रेगुलेटर केंद्र सरकार लेकर आई थी, शायद वो हेल्थ केयर के लिए भी ले आए। जी बिल्कुल, और जरूरी है क्योंकि अब हर किसी स्टेट की वरना अलग एक पॉलिसी बन जाएगी और उसमें भी कई लोग फंसने की आशंका भी है उसमें। हम फिलहाल यही रुकते हैं इस डिबेट, इस चर्चा में, और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नेशन नाउ में बाकी खबरों की ओर मुड़ते हैं।